लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑनलाइन अर्निंग। दोस्तों, अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी ये वीडियो देख कर यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाएँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल के साथ एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। प्रोफेशनल का वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि लोग चैनल तो बना लेते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं करते, और अगर उसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं करते तो ना उसके ऊपर सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे, ना उसके ऊपर व्यूज़ आते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप मोबाइल से यूट्यूब का चैनल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग इसी तरह यूट्यूब की ऊपर से वीडियो देख के चैनल क्रिएट करते हैं। तरीकाकार भी यही है, जिनको नहीं पता तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हर तरह की वीडियोस हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो वीडियोस पुरानी होती हैं, कोई 2 साल पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है, कोई 4 साल। तो YouTube वक्त गुजरने के साथ साथ अपने जो भी इसकी सेटिंग्स हैं और इसका जो YouTube स्टूडियो के अंदर जो इसकी सेटिंग्स आती हैं, तो वो दिन ब दिन वो हर आने वाले वक्त के साथ अपग्रेड होती हैं, चेंज होती हैं। तो जब वो चेंज हो जाती हैं तो ज़ाहिर सी बात है सेटिंग का सिस्टम भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो देख के जो है यूट्यूब के लिए जो वीडियो बनाएं, तो ताकि जो है ना आपका चैनल प्रॉपर रैंक भी करे। यूट्यूबर की जो प्रॉपर आप ये समझते हैं कि जिसकी जो अच्छा नॉलेज रखने वाला है, तो आप उसकी वीडियो देख के तो आप चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो जो है वो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक और प्रॉपर जो इस चैनल की सेटिंग की है YouTube के अंदर, ताकि जो है आप जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं देखने वाले मुझे, तो उनको इजीली जो है चैनल बनाने के अंदर कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो आप ये है कि आप जब भी चैनल क्रिएट करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि वीडियो का स्किप करके आगे करके आप देखेंगे तो उससे आपको ना समझ आएगी और ना ही आप अपने चैनल की प्रॉपर सेटिंग करके कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखना, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम उसको लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और जो चैनल पर नए आने वाले दोस्त हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊँ। तो अब बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपना मोबाइल के ऊपर, और मैं आपको आज बताता हूँ कि मोबाइल से आप अपना प्रोफेशनल जो है यूट्यूब चैनल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। पूरी A to Z मैंने उसके ऊपर सेटिंग बताऊँगा आपको कि किस तरह उसकी पूरी सेटिंग करनी है, चैनल को किस तरह कस्टमाइजेशन उसकी किस तरह करनी है। तो चलते हैं मोबाइल के ऊपर। फ्रेंड्स, यूट्यूब अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट की ज़रूरत होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जीमेल अकाउंट का नहीं पता हम ये कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। ये इंतहाई आसान, बिल्कुल इजी है। जिन दोस्तों को जीमेल अकाउंट बनाने का नहीं पता, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है जीमेल अकाउंट कैसे बनाएं वो देख लें। उसमें दोनों तरीक़ों से मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ है कि लैपटॉप से किस तरह जीमेल अकाउंट बनाते हैं और मोबाइल से किस तरह बनाते हैं। यूट्यूब पे आ जाएं। अब यूट्यूब पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल पे यूट्यूब ऐप को ओपन करेंगे हम। ये मेरा पुराना अकाउंट खुला हुआ है, तो ये जो यूट्यूब ऐप है यहाँ पे ये जो कोने में प्रोफाइल है जिसपे जो भी कोई भी पिक्चर लगी होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मेरे चैनल का जो नाम आया, इसको ये जो साइड पर एरो है, एरो को क्लिक करना है। एरो को क्लिक करने के बाद आपने जो नया अकाउंट बनाया है अभी, आपने उसको सर्च करना है इनमें से। मैंने क्लिक कर लिया है, अब ये सिलेक्ट हो गया है। अब इसको अकाउंट क्रिएट करने के लिए दोबारा जो है ना इसकी प्रोफाइल पे ये जो S लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इस पर क्लिक करूँगा। आपका जिस नाम से भी आईडी होगी तो अल्फ़ाबेट आपको पहले वहाँ शो हो रहा होगा, उसको क्लिक करने के बाद आपने जाना है यूर चैनल। ये इस तरह इसका इंटरफेस आ जाएगा, आपने यूर चैनल को क्लिक करना है। यूर चैनल को क्लिक करने के बाद ये दो चीज़ें आपके सामने खुल जाएंगी। एक तो ये है कि यहाँ से आपने प्रोफाइल अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है गैलरी से जाके, जो भी मर्ज़ी आप लगा लें, लोगो है जो भी है, आप इसको अपने चैनल के मुताबिक अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगाना चाहते हैं आप यहाँ लगा सकते हैं। और सेकंड जो है अपने चैनल का नाम, तो यहाँ जो है मैं इसका अपने चैनल का नाम मैं चेंज कर लेता हूँ। आप अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं आपने वही लिखना है। और एक टिप्स मैं यहाँ पे आपको देता चलूँ कि कोशिश कीजिएगा कि चैनल का नाम थोड़ा शॉर्ट हो, तो आप कोई ऐसा नाम सर्च करें जो जिस नाम से पहले चैनल ना बनाओ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेस्टी फूड
रेसिपीज़, टेस्टी फूड रेसिपीज़ बाई शेफ खान। यहाँ पे लिखने के बाद इसको, ये सेव वाला जो ऑप्शन है इसको सेव कर देना, और उसके बाद मेरे चैनल का नाम मैं आपको यहाँ बताऊँ, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जितना छोटा नाम होगा इतना ही ज़्यादा है, लोगों को याद करने में भी आसानी होती है और वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये फिर यहाँ पर आके क्रिएट चैनल कर लें, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये चैनल बन गया है, देख लें ये शो हो रहा है टेस्टी फूड रेसिपी बाई शेफ खान। तो अभी इसको आप यहाँ पे तमाम चीज़ें चेक कर सकते हो, जिस तरह आपने वीडियो अपलोड करनी है तो मैनेज वीडियो में जाके यहाँ से वीडियो कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो तो खैर अभी आपने अपलोड नहीं करनी जब तक इसकी इंपोर्टेड टच सेटिंग पूरी ना हो जाए, ठीक है। ये एनालिस्टिक है, यहाँ पे जितने भी मतलब इसके व्यूज़, ये वाइट टाइम, सब्सक्राइबर वगैरह, ये यहाँ इससे शो हो रहे होते हैं। और ये जो इसका मेन सेक्शन है ये अबाउट वाला ना, तो यहाँ पे जाके आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फ़र्ज़ करो कि मेरा चैनल जो है वो है फूड के ऊपर ना, तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख देना है कि दिस यूट्यूब चैनल इज़ अबाउट फूड एंड रेसिपी। ज़्यादा भी मतलब इसके लिए लिख सकते हैं, और इसके अंदर जो है आपने फिर सोशल लिंक्स भी डालने होते हैं, जिस तरीके से फेसबुक का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, तो वो मैं आगे इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्स किस तरह डालते हैं। तो ये अभी आप जैसे ही आपने इसके अंदर ये लिखा, तो उसके बाद ये लिखने के बाद ये इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब जो है, अब यहाँ देखें ये होम है, वीडियोज़ है, अगर आपकी कोई वीडियोज़ होगी तो वो इधर शो भी होंगी, और नहीं भी डाल सकते हैं, प्लेलिस्ट बनानी होती है चैनल्स के बारे में होता। अच्छा, ये अबाउट में आप देख सकते हैं कि देखें ये अभी 31/2/2022 आपका चैनल कब क्रिएट हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल में गूगल क्रोम होगा, अब ये गूगल क्रोम मैंने ओपन किया, इसके अंदर आना, आपने यहाँ पर लिखना है youtube.com। ये लिखने के बाद आपने सर्च करना है, अब यहाँ जो रही पुराने वाले यूट्यूब की शो हो रही है तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ स्विच टू अकाउंट में आना है। स्विच टू अकाउंट में आने के बाद ये जो चैनल है, ये जो मैंने अभी क्रिएट किया है टेस्टी फूड रेसिपी बाई शेफ खान, अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं 3 डॉट पर आया, और मोबाइल को ये आप देख लें, ये नीचे लिखा होगा डेस्कटॉप साइट, इसको मैंने क्लिक कर लिया, तो ये बिल्कुल उस पोजीशन में आ जाएगा जिस तरीके से जो है आपका लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, यह भी सेम उसी तरतीब के अंदर आ गया। तो अभी इसमें फ्रेंड, इसके बाद आपने यहाँ ऊपर जो है, जहाँ ये जो लिंक वाली जगह होती है, यहाँ लिखना है studio.youtube.com, इसको गो कर लेंगे। अब ये इसका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अगर आपने अपने चैनल को मतलब YouTube से आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊं कि ये जो S वाला निशान है, ये डॉलर्स का जो निशान है, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने इसको देखना है, देखें जब से ये चैनल बना है, फ़र्ज़ करो जब वीडियो डालूंगा तो उसके बाद मुझे तकरीबन इस चैनल के बाद 1000 कम से कम, ये देख लें इसके सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, और 4000 इसका वॉच टाइम होगा, तो उसके बाद मेरी फिर अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो 2-स्टेप वेरिफिकेशन है, इसको मैं अभी ऑन कर लेता हूँ, इसको मैंने कंटिन्यू किया, यहाँ मैंने आप इसका 2-स्टेप वेरिफिकेशन के लिए पासवर्ड पूछ रहा है, आपने भी इसी तरह करना है। अच्छा, ये मैंने नंबर डाला हुआ था, ये पूछ रहा है कि टेक्स्ट करूँ या कॉल, तो टेक्स्ट पे ही रहते देते हैं मैसेज के ऊपर, तो सेंड करते हैं। अभी मुझे एक कोड रिसीव होगा, मैंने इसके अंदर लिखना है, कोड डालने के बाद इसको हमने नेक्स्ट कर दिया, फिर ये टर्न ऑन हो गया। इससे भी अभी ज़रूरी सेटिंग हमने करनी है, ये आपने वीडियो अपलोड करने से पहले जो है ना, ये देखें ये इसके ऊपर ग्रीन टिक लग गया है, अभी मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन, अगर मैं कोई गलत कॉन्टैक्ट या कॉपीराइट वाला इशू आएगा तो यहाँ पे मुझे वार्निंग शो होगी।
तो इसके बाद फिर चलते हैं दोबारा, अब चैनल की इंपोर्टेड सेटिंग। इंपोर्टेड सेटिंग है चैनल कस्टमाइजेशन की, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो इसका ये जो एस के नीचे जो आइकन बना हुआ आपने इसको प्रेस करना है, ये कस्टमाइजेशन के लिए है। और इसके नीचे आने के बाद कस्टमाइजेशन को जैसे ही ओपन करेंगे आप, तो यहाँ लेआउट ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो लिखा आएगा। लेआउट के अंदर आप जो है सबसे पहले लिखा हुआ है चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब, मतलब आप कोई भी ऐसे एक वीडियो क्लिप बना के रख सकते हैं कि जिन लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो ताकि वो उसको देख के कोई भी वीडियो ऐसी अट्रैक्टिव वीडियो हो कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सेकंड जो है फ्यूचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स, मतलब जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं तो वो प्ले करेंगे जब आपके चैनल के ऊपर आएंगे, तो उनके लिए कौन सी वीडियो होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी भी नहीं है, ये वक्त के साथ साथ आपको इसकी लर्निंग हो जाएगी। तो बेसिक जो चीज़ें हैं फर्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो इसके अलावा आपका फ्यूचर सेक्शन, अच्छा ये जो है ना, ये यहाँ से ऐड के ऑप्शन भी है ना, मैं आपको दिखा दूँ। जिस तरह ये ट्रेलर है, ये यहाँ से जाके आप ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे जो दूसरा वाला ऑप्शन है रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स वाला, इसको यहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं। और तीसरा जो इसका ऑप्शन है फ्यूचर सेक्शन जो है वो यहाँ से आप प्लस में जाएं। इसका मतलब ये होता है कि आप क्या चाहते हैं कि आपके चैनल के ऊपर जब कोई विज़िट करे, जब कोई आए, तो आप कौन सी वाली आपकी वीडियो पहले शो होनी चाहिए, जिसमें पॉपुलर वीडियो है, लाइव है, पोस्ट विनिंग है, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम है। तो मैं चाहता हूँ कि बाद लोग शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो वो पहले शो होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तरतीब से मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सबसे पहले जो मेरे चैनल के ऊपर, यहाँ देखें, ये देखो शॉर्ट वीडियोज़ नहीं, मैं बल्कि अपने लिए क्या शॉर्ट्स जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो सबसे पहले मेरे चैनल पे शो होंगी। अब सेकंड मैं ऐड कर देता हूँ, सेकंड के लिए जो मेरी पॉपुलर वीडियो हैं वो आएँ। और थर्ड पे मैं कर लेता हूँ शॉर्ट्स। तो ये तीन, अपलोड्स, पॉपुलर और शॉर्ट्स, ये तीनों इसी तरतीब के साथ मेरे चैनल पे नज़र आएंगी। अच्छा, दूसरा है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में वही है, आप अपना लोगो या पिक्चर अपलोड के अंदर ये जो मेरा टी लिखा हुआ नज़र आता है, आप यहाँ अपलोड के क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप YouTube बैनर बना के लगा सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे आप जो भी आपका लोगो है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, वो आपने यहाँ पे लगा देना है। जब भी आपकी वीडियो चलेगी तो वो वाटरमार्क इसके अंदर, वीडियो के अंदर लगा हुआ होगा जो भी लोगो है। तो ये आ गया ब्रांडिंग में। और बेसिक इन्फो, अब बेसिक इन्फो में आते हैं। बेसिक इन्फो में देखें, मेरा चैनल जो है, चैनल का नाम है ऊपर, यहाँ पेंसिल जो बनी हुई है, आप अगर इसको टिक करेंगे, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये चैनल का नाम हो गया। यहाँ डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको बताऊँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये आपका चैनल किस बारे में है, आप किस बारे में वीडियो अपलोड करोगे, आपका कॉन्टैक्ट किस चीज़ के ऊपर होगा, जस्ट आपने वो चीज़ें लिखनी है। और इसके अंदर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी ऐड कर लेना है। लिंक कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एक मैं पहले फेसबुक का लिंक आपको लगा के बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो प्लस का निशान है इसको आपने क्लिक किया, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लिंक। तो ये लिंक आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से इसको मिनिमाइज़ किया, फेसबुक में गए, और फेसबुक में आपने अपने प्रोफाइल को खोलने के बाद आपने ये जो एडिट प्रोफाइल के साथ में तीन डॉट होंगे इसको क्लिक करना है, और सबसे नीचे जाना है कॉपी लिंक फॉर प्रोफाइल, इसको आपने कॉपी करना है। यहाँ से अपने यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरा फेसबुक का इसके अंदर लिंक कॉपी हो गया। इसी तरह आपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो जो आप यूज़ करते हैं, ये प्लस में जाते जाएं और अपने लिंक इसके अंदर कॉपी कर लेने हैं। उसके बाद के ऊपर यहाँ नीचे की तरफ आप आएंगे तो ये देखिए, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो सेटिंग का निशान है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद ये जनरल सेटिंग है। पहले सबसे पहले जनरल सेटिंग के अंदर आते हैं, तो ये बेशक आप डॉलर्स के अंदर ही रहने दें, ये जो करेंसी है आपको जब अर्निंग करेंगे तो किसमें होनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। तो एक और चैनल के ऊपर आ जाते हैं अभी दूसरी पे। अच्छा, यहाँ पहले मेरी कंट्री, जिस कंट्री का मैं रहने वाला हूँ,
आपने वही कंट्री सेलेक्ट करनी है। इससे ये होगा कि यूट्यूब जो आपकी वीडियो रिकमेंड करेगा तो उसी एरिया के जो लोग हैं उसी ज़ुबान के, मतलब अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, तो उससे ये होगा कि जो उर्दू बोलने वाली कम्यूनिटी है आपकी वीडियो उसी को रिकमेंड की जाएगी। और ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या आता है, कीवर्ड। अच्छा, कीवर्ड के लिए मैं आपको बताऊं कि कीवर्ड आप मेरा चैनल है, जिस तरह मेरा चैनल था टेस्टी फूड रेसिपी रेसिपीज़ बाई शेफ़ खान, एक कीवर्ड मेरा ये हो गया। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में भी आपको समझाऊंगा, लेकिन ये चैनल कीवर्ड है खान। इसके बाद मैंने इसको कोमा देना है न्यू टैब में। यहाँ पे आप लिख रहे हैं टेस्टी फूड, मतलब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, टेस्टी फूड आप अपने चैनल का नाम लिखना, टेस्टी फूड। ठीक है, अब हम सर्च में वो करेंगे तो ये नीचे रिकमेंड करता है, जिस तरह देखें टेस्टी फूड मीनिंग, अच्छा टेस्टी फूड मेन्यू, टेस्टी फूड रेसिपीज़, ठीक है, टेस्टी फूड मेन्यू विद प्राइस, ठीक है, ये सारे टेस्टी फूड कोर्ट्स, ये सारे आपके टेस्टी फूड लिस्ट, अच्छा कीवर्ड हैं आपके जो आप वहाँ लिख सकते हैं। इस तरह मैंने आपको दिखाया, वहाँ से वर्ड कॉपी करें और इसके अंदर डाल देने हैं, और कम से कम जो है ये 500 वर्ड्स लिखने हैं आपने, तो कोशिश करें कि ये सारे फिल करें ताकि आपका चैनल सर्चिंग में सही आ जाए। अच्छा, इसको हम फिर हम सेव कर लेंगे। अच्छा ये मेरा, अच्छा अभी आप एडवांस सेटिंग में आ गए। एडवांस सेटिंग में इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एडवांस सेटिंग के अंदर आपका आपसे भी पूछा जा रहा है कि डू यू वॉन्ट टू, अच्छा ये है कि ये आपका चैनल बच्चों के बारे में तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है मेरा चैनल जो है बच्चों के बारे में नहीं है, कि जो जो ऐसी वीडियो मैं नहीं डाल रहा कि जो बच्चों से रिलेटेड हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको नो सेट द दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड, ठीक है, आई नेवर अपलोड कॉन्टेंट दैट्स मेड फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, मैं वो कॉन्टेंट नहीं डाल रहा जो बच्चों के लिए बनाई हुई है। तो ये यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करके फिर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद कि आपने यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है, आगे आगे जाएं फ्यूचर एलिजिबिलिटी में, के अंदर एलिजिबिलिटी के अंदर आ गए, ये पहले वाला तो ऑटो पे हुआ हुआ है, अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड ये जो है ये सेटिंग इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये सेटिंग आपने ऑन नहीं की होगी तो आप 15 मिनट से ऊपर भी की वीडियो भी नहीं बना सकते हैं, और आप अपना कस्टम थंबनेल भी नहीं लगा सकते, और आप लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं कर सकते, तो और बल्कि आप अगर आपके चैनल के ऊपर कोई अगर स्ट्राइक का वार्निंग अगर आ गई तो आप उसके खिलाफ अपील भी नहीं करते। तो इसको आपने यहाँ से वेरीफाई फ़ोन नंबर करके तो इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे इसको दोबारा अगेन जो है ना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा। सेलेक्ट कंट्री पाकिस्तान आ गई, और यहाँ पे मैंने अपना नंबर लिख लिया, गेट कोड, यहाँ मुझे मैसेज आएगा, वो कोड में तो डालू, कोड डालने के बाद इसको मैंने सबमिट कर दिया। अब ये भी मेरा ऑन, दूसरा ऑप्शन भी ओके हो गया। अब ये जो तीसरा है, तीसरे के लिए मैंने, इसके तीन तरीके हैं, वीडियो वेरिफिकेशन भी हो सकती है, वीडियो आईडी वैलिड आईडी भी डाल सकते हैं, और चैनल हिस्ट्री भी डाल सकते हैं। तो ये 24 घंटे के बाद तकरीबन आपका एक्टिव होगा। तो ये एक्सेस फ्यूचर के ऊपर गए आपने जो है ना, इसके ऊपर यूज़ वैलिड आईडी, तो वैलिड आईडी जो भी आपके पास है आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ये मैंने डन कर दिया। अब मैं जाके ये देखें, ये एलिजिबल हो गया है वैलिड आईडी के। अच्छा, अब मैंने इस सेटिंग को सेव कर, इसके बाद अपलोड डिफ़ॉल्ट्स, ये अपलोड डिफ़ॉल्ट्स वो है कि ये ऑटोमेटिकली आपके चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा, आपने एक ही दफ़ा इसके अंदर लिखना है, और ये हर वीडियो के साथ ऑटोमेटिक जब आप लाइव आएंगे तो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो चीज़ें लिखी होंगी या जो आपने इस चैनल के बारे में लिखा होगा ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वो हो जाएगा। यहाँ ऐड टाइटल, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये जो है ना आपने जो वीडियो आप बनाओगे, इधर से पता है ये हर दफ़ा आपने टाइटल आपने यहाँ डाल देना है, वीडियो आप जिसके ऊपर बनाते हैं तो ये टाइटल फिर आपने उसी टाइम यहाँ पे लिख, किसी भी यूट्यूबर का आप ये डिस्क्रिप्शन कॉपी करके रख सकते हैं जो आपके चैनल के रिलेटेड होगी, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आप जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो जो ऊपर वाली दो चार लाइनें होंगी वो उस वीडियो वीडियो के बारे में आपने डिस्क्राइब कर देना है, और उसके बाद नीचे आ जाती है कि अनलिस्टेड कर देना है, ये वीडियो अपलोड करेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे वही चैनल टैग दोबारा लिखने हैं जो आपने वहाँ पे डाले थे, तो ये टैग जिस तरह टेस्टी फूड का हो गया, मतलब मेरे चैनल का नाम हो गया, दो तरह से, एक स्पेस दे के एक बगैर स्पेस के, और ये यूट्यूब
आपने ओपन किया, आपने यहाँ सर्च में आए, आपने लिखा जिस तरह मेरा चैनल टेस्टी फूड, ठीक है, रेसिपीज़, देखिए ये खुद ब खुद देखें ऐट होम, ठीक है, ये आ गया टेस्टी फूड रेसिपी शॉर्ट्स, टेस्टी फूड रेसिपी बाई फोर्स, ये चीज़ें ये सारी ये जो कॉपी करके आपने इधर से अपने चैनल के अंदर लिखनी है। तो ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि इससे ये होगा कि आपका चैनल रैंक करेगा। ये इस तरह के आपने जितने कीवर्ड देंगे हर कीवर्ड के बाद आपने कॉमा लगाना है, ठीक है, कॉमा लगाने के बाद आपने नेक्स्ट पे फिर करना है, फिर कॉमा लगाना है। तो ये जितने लगाएंगे तो अभी इसको हम करते हैं सेव। ये कीवर्ड देने के बाद इसके अंदर अगर आप अपने चैनल का किसी को मतलब किसी और के साथ भी एडमिन बना के शेयर करना चाहते हैं कि वो भी वीडियो अपलोड करे तो आपने उसको यहाँ से परमिशन देनी है, ठीक है। बाकी ये कम्युनिटी गाइडलाइन है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अग्रीमेंट के अंदर एक चीज़ और थी, एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग रखी थी, ये ज़रूरी है। इसमें जो आपने लाइसेंस इसका होगा ये स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस के ऊपर रहने देना। अच्छा, फिर आपका चैनल किस कैटेगरी के ऊपर है, ठीक है, यहाँ से आपने अपनी कैटेगरी सेट करनी है। जिस तरह मेरा चैनल फूड के ऊपर है तो अब जाहिर सी बात है ये लर्निंग है, लोगों को सिखाना है, समझाना है। तो अगर मैं पहले चेक करूँगा कि यहाँ फूड वगैरह के ऊपर कुछ ट्रेवल एंड इवेंट्स, सोशल टेक्नोलॉजी पिट्स, पीपल ब्लॉग, नॉन न्यूज़, न्यूज़ के बारे में तो हम न्यूज़ सेलेक्ट करते हैं, म्यूज़िक के बारे में म्यूज़िक सेलेक्ट करते हैं, गेमिंग के बारे में गेमिंग सेट कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट। अच्छा, मेरा एजुकेशन के ऊपर मैं करता हूँ क्योंकि मेरे एजुकेशन के रिलेटेड है, इंस्टीट्यूट के हवाले से होगा कि अगर मैं किसी को खाना पकाना सिखा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है एक एजुकेशन के अंदर वो आ जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। वीडियो लैंग्वेज, अब जाहिर सी बात है मैं जिस लैंग्वेज में वीडियो बनाऊँगा तो मैंने वही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। तो ये मैंने उर्दू सेलेक्ट कर दी। अच्छा, सर्टिफाइड भाई, ये जो आपका ये पहले वाला जो है, एक मिनट, ये जो इसमें पहला वाला जो ऑप्शन होगा ना, ये आपने यही सेलेक्ट करना है। ये क्या है कि दिस कंटेंट हैज़ नेवर अराइव्ड ऑफ टेलीविजन इन यूएस, ठीक है। आपने इसके करने के बाद टाइटल लैंग्वेज, ज़ाहिर सी बात है कोई इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, तो इसकी आप टाइटल लैंग्वेज अगर इंग्लिश रखना चाहते हैं तो इंग्लिश रख लें, क्योंकि टाइटल इंग्लिश में भी रख सकते हैं, उर्दू में भी लोग टाइटल रखते हैं। अच्छा, कमेंट्स करना आप मैंने अलाउ के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर कोई कमेंट करे तो आपको उसको अलाउ कर दें। उसके बाद आप समझते हैं कि कोई मतलब इस तरीके से कोई गलत किस्म के कोई कमेंट्स ना करें, वो वर्ड अगर आपने लिखने हैं तो वो आप यहाँ से ये होल्ड प्रोटेक्शन कर लेना है यहाँ वाले को, और वो आपने फिर इधर लिखना है कि क्या क्या जो वर्ड हैं वो अगर वो डाले तो ना आए, ठीक है। इसके बाद इसको दोबारा सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद चैनल अभी आपका बिल्कुल रेडी हो गया है और आप अभी इसके अंदर वीडियो डाल सकते हैं। कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गया होगा कि किस तरह एक प्रोफेशनल चैनल क्रिएट किया जाता है। तो अगर जो भी कोई परेशानी है आपको उसके अंदर कोई सेटिंग के अंदर या कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको बताऊंगा।